जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्त गणों, हर महीने दो एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ती है, लेकिन सभी एकादश हो में माघ शुक्ल की निर्जला एकादशी के व्रत को कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करना होता है। इस व्रत की महिमा भी अपार होती है। निर्जला एकादशी व्रत को करने से साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशी व्रतों के समा फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। प्रिय भक्त गणों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है, 17 जून या फिर 18 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, निर्जला एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, और साथ ही आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में जानेंगे कि क्या निर्जला एकादशी के दिन हम जल पी सकते हैं, और अगर पी सकते हैं तो किस विधि से, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें। जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। गणों, साल का सबसे कठिन व्रत देवव्रत निर्जला एकादशी आने को है। बहुत ही विष्णु प्रिय तिथि है, और इस दिन जब तप पूजा जो भी करता है मनुष्य, इससे विष्णु भगवान का सानिध्य उसे जरूर प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को कठोर नियमों के कारण ही सभी एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है, और विष्णु भगवान का भजन कीर्तन उपवास किया जाता है। इस दिन सिर्फ भोजन ही नहीं, पानी का भी त्याग करने का विधान आता है। पूरे दिन निर्जल रह करके व्रत का पालन होता है। पहले दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक बिना पारण के जल का सेवन नहीं किया जाता, और कहा जाता है जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है, उसके पापों का शमन होता है। आशीर्वेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीम ने किया था, और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, और महर्षि वेदव्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। इस एकादशी को भीम एकादशी व पांडव एकादशी कहीं जाने के पीछे एक पौराणिक छोटा सा वृतांत आपको बताता हूं। जब व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति को आप जरूरी समझते हैं, तो दोनों पक्षों की एकादश यों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तभी भीमसेन बोले कि मैं एक बार भी भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता, फिर उपवास कैसे करूं? मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब महर्षि वेदव्यास बोले, महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष में आने वाली एकादशी व्रत ना रखकर सिर्फ जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो, तुम्हें सभी एकादशी का फल मिलेगा, और इस एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्कर विमान पर बैठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। भीमसेन ने इसको रखने को तैयार हुए और व्रत को रखा, इस व्रत को पूर्ण किया और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। इसी वजह से इस व्रत को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रिय भक्त गणों, सबसे पहले जान लेते हैं क्या निर्जला एकादशी व्रत में पी सकते हैं, पानी फिर उसके बाद जानेंगे। निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में प्रिय भक्त गणों, निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर माघ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है
और आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है, या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद चांदी पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर विधिवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पूर्ण व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधिपूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आमचन आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाए और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जेठ माह शुक्ल पक्ष एकादशी, तिथि 17 जून 2024, दिन सोमवार सुबह 4:44 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 जून 2024, दिन मंगलवार सुबह 6:26 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 19 जून 2024, दिन बुधवार सुबह 7:29। द्वादशी युक्त वैष्णव के लिए जो शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, जो कि 18 जून 2024 दिन मंगलवार को सभी भक्तजनों व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि 19 जून बुधवार को किया जाएगा। पारण का जो समय हो 19 जून को वह समय सुबह 5:28 से सुबह 7:28 तक होगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण जो लेन पारण यानी कि तिल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि का जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त का समय 6:50 ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। वह समय सुबह 4:03 से सुबह 4:04 तक होगा। योग जो शिव योग होगा रात्रि 9:29 तक, उसके बाद सिद्ध योग होगा 18 जून को जो कि त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो कि दोपहर 3:56 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:24 तक होगा। नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:56 तक होगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र, जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उनको व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विकता का पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज मुक्त भोजन करना है और रात में भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए ब्रबर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करें और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण कीजिए। मन ही मन संकल्प कीजिए सुबह जल्दी उठकर के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार की सफाई करें और हल्दी के जल का छिड़काव करें। इच्छा हो तो द्वार पर तोरण रंगोली आदि लगाए दान करें। पवित्र नदियों में सरोवर में स्नान कर एस ना जाए तो घर पर ही गंगा जल हल्दी के जल से स्नान करना चाहिए और स्नान करके सुंदर शुद्ध पीले वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र दिन पहने नीले काले वस्त्र धारण ना करें। सूर्य देव को एक लोटा जल आपको चढ़ाना जरूर चाहिए और आज ही के दिन चारों वेदों शास्त्रों या पुराणों की जो माता कही जाती है वेद माता माता गायत्री दिन की पूजा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, उनका जन्मन दिवस भी माना जाता है। उनका जन्म भी जेठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था और आज ही के दिन पहली बार इसी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को बोला था। इसलिए आज के दिन सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करेंगे तो गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ओम भूर भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम धियो योना प्रचोदयात। फिर उसी लोटे में जल भर भर लीजिए और घूम जाइए। दक्षिण दिशा होकर पितरों के निमित्त ओम सर्वे भयो पितृदेव नमो नमः पितृदेवता की जय इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। पूजा स्थल साफ करके व्रत करने का संकल्प लीजिए और थोड़े से चावल और जल हाथ में लेकर बोले, हे प्रभु आज मैं चोर पाखंडी दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा।
ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न देकर प्रसन्ना करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद द्वादशी मंत्र या गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें। हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार धरती पर जल छोड़ दीजिए। शंकर का पूजा की तैयारी करें। मौन जप, शास्त्र पठान, कीर्तन, रात्रि जागरण, यह पांच चीजें एकादशी के भूषण होते हैं और यह सभी नर नारी को व्रत करना चाहिए और इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष शैया रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। घर के मंदिर में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति की पूजा करें। विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी का आवाहन कर दोनों की पूजा करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को बैठने के लिए आसन देकर के विराजित करें और आपके मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित है उनके पहले पूजा कर लीजिए। फिर पाटे या चौकी पर विराजित करके आप विष्णु भगवान को स्नान आदि करवाएं। वही पूजा स्थल पर सफाई से आप उनका स्नान कर सकते हैं। स्नान कराने के लिए किसी लोटे में जल ले सकते हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो यह सर्वश्रेष्ठ है और दक्षिणावर्ती शंख में आप कच्चा दूध, पंचामृत, गंगा जल आदि भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक करते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहे। ध्यान रखें, शंख बहुत ही खूबसूरत होते देवी लक्ष्मी का भाई माना गया है और जिस भी एकादशी पर भगवान विष्णु की दक्षिणावर्ती शंख से चाहे जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं या पंचामृत अभिषेक करते तो धन लाभ के चमत्कारी योग बनते हैं। बाद में जो स्नान का जल होता है इसको लेकर के आपको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। यह खुद में अद्भुत होता है। घर से सभी प्रकार के ग्रह दोषों, वास्तु दोषों, नजर दोषों, सभी दोषों का शमन करता है। घर से दरिद्रता को दूर करके धन सुख संपत्ति के उपयोग को बढ़ा है और बुरा से बुरा दुर्भाग्य हो वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, मैं खुद का आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूं, पूर्ण विश्वास करके देखें कैसे आपके जीवन से दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और किसी प्रकार के जादू टोने का भी कुप्रभाव होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप अभिषेक करिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा कर पीताम्बर धारण करवाए। पीताम्बर यानी पीले वस्त्र, भगवान विष्णु पीताम्बरधारी कहलाते और इसी निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के किसी मंदिर में भी आप चाहे तो पीली धोती आप अर्पित कर सकते हैं। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान को आप आभूषण, यज्ञोपवीत, जनेऊ आदि पहनाएं, पीले पुष्प की माला पहनाएं, पीले फूल अर्पित करें। तीन फूल आपको गुलाब के हो, सूरजमुखी के हो, गेंदा के हो, पीले वाले, यह आपको अर्पित करने चाहिए। तुलसी अर्पित कर या तुलसी की माला बना करके भी अर्पित कर सकते हैं और चाहे तो आप कमल गट्टे की माला हुआ या फिर गूंजा की माला हुआ यह भी अर्पित कर सकते हैं। फ्रेश तुलसी की माला बना सके तो अच्छी बात नहीं तो अभिमंत्रित करके तुलसी की माला को रखनी चाहिए। माला अर्पित करने के बाद सुगंधित इत्र अर्पित करें, चंदन के का तिलक करें, तिलक के लिए हो सके तो अष्टगंध का प्रयोग करें। धूप और दीप जलाए, घी का दीपक जलाया जाता है और दीपक में एक चुटकी केसर या हल्दी जरूर डाल दें। भगवान को भोग लगाएं, पीली चीजों का भोग लगाएं, केले, आम, खरबूजे आप उनको अर्पित कर सकते हैं। जल से भरे मिट्टी का घड़ा, खरबूजा, आम पंखी, यह चीजें ठाकुर जी को आज के दिन अर्पित की जाती है और भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय है, इसी तुलसी दल जरूर प्रयोग करें। काले तिल भी आज के दिन भोग में छुड़ाए जाते हैं। एकादशी पर काले तिल विशेष प्रिय होते हैं। विष्णु भगवान को तो काले तिल से बना हुआ भोग वह भी हो सके तो अर्पित कीजिए और फिर वहीं बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम, गीता जी आदि का पाठ कीजिए। भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। तुलसी की माँ ला है तो उससे जप कीजिए, नहीं तो चने की दाल से आपको जप करनी चाहिए और फिर आपको कथा सुननी चाहिए और लास्ट में आरती करके क्षमा याचना करें। ये सब करने के बाद बायना जरूर निकालें। एक गिलास ले लीजिए या लोटा ले लीजिए या जलसे का कलश ले लीजिए,
उसको आपको कोई भी सुंदर से कपड़े से ढक देना और फिर उसको बांध दीजिए कलावा से, और उस पर आप एक कटोरी ले ले, कटोरी में थोड़ी शक्कर ले ले, थोड़ा आम ले ले और पैसा ले ले, थोड़ा सा कलावा, या आप सुहाग पिटारी भी रख सकते हैं उसमें, मतलब सुहाग का सामान भी रख सकते हैं। ये सभी रख करके आप उसको हाथ से घुमा देना है और फिर सासू माँ को पांव छू करके दे देना चाहिए। इसे हम बायना कहते हैं और सासू माँ वहां नहीं है, तो माँ जैसी कोई स्त्री, जेठानी, आस पड़ोस की कोई बूढ़ी औरत हो, कोई गरीब हो, ब्राह्मण हो, इसको भी दे सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप गिलास सहित दान करना चाहते हैं तो नया गिलास आपको लेना चाहिए। पुराने गिलास, कटोरी आदि का प्रयोग ना करें, नए बर्तन का प्रयोग करें, और चाहे तो मिट्टी का करवा लेकर के भी आप बायना निकाल सकते। जो भी गिलास या लौटा लेंगे उसमें जल जरूर भरे और उसके मुंह पर कपड़ा लपेट कर कलावा जरूर बांध स्वस्तिक चिन्ह बनाइए, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद बायना निकाले कि शाम को आपको तुलसी का पूजन भी जरूर करना चाहिए। तुलसी माँ के सामने ने गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। इससे आपको घर में सुख शांति बनी रहती है। ध्यान रखें, तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए। जरूरी हो तो गमले में गिरी हुई जो तुलसी है उसका प्रयोग करें, या फिर पहले तुलसी को, या फिर पहले की जो तुलसी है तोड़ी हुई उसको आप दोबारा से जल्द से छींट कर आप काम में ले सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का दिन है, दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता। पीपल का वृक्ष आप लगा सकते हैं, इसमें विष्णु भगवान का वास माना जाता है, और पीपल में मीठा दूध चढ़ाकर व्रत की कथा चाहे तो वहीं बैठ करके सुनिए, और फिर पेड़ की सा 11-21 जितनी इच्छा हो उतनी परिक्रमा करनी चाहिए, तभी पूजा पूर्ण करने के बाद गरीबों को दान अवश्य करें, इसी से व्रत का विधान पूर्ण होता है। अब चाहे तो गरीबों में कपड़े छाता, जूता मटका, किसी भी धातु से बना, जल का पात्र, हाथ का पंखा, बिजली का पंखा, शरबत की बोतलें, आम खरबूजा, तरबूज, मौसमी फल, शरबत, पानी, चीनी, कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं। राहगीरों के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ठंडी और मीठे जल की छब लय लगाएं, प्या लगवाए लंगर आदि लगाना आति पुण्य फलदायक होता है। साधक के लिए जल का सेवन करना निषेध है, परंतु यह आपकी परीक्षा ही लेता है कि खुद जल नहीं पीना है परंतु लोगों को पिलाना है। और इसी तरह से आप मंदिरों में जल पात्र के मटके आदि भी दान कर सकते हैं। घर की छत पर भी पंख पक्षियों के लिए आप जल भर के रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में आपको सोना नहीं चाहिए, दिन में तो सोना ही नहीं है, रात में भी नहीं सोना चाहिए। भगवत नाम लेते हुए जागरण करें, और जागरण करते समय रात्रि में जो भी मनुष्य दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्प में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करते हैं उन्हें संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 24 घंटे बिना अन्न और जल के संयमित रहकर दूसरे दिन द्वादशी तिथि को पारण करना चाहिए। स्नान करने के बाद तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि का पूजन करें और पारण मुहूर्त के समय ही व्रत खोलना चाहिए। विष्णु भगवान को भोग आदि लगाएं, भोग में कुछ मीठा जरूर रखें, और इसके बाद भगवान का प्रसाद आप गरीबों में बांटें। यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर के आप लोगों को दे सकते हैं, और फिर आपको स्वयं जल का सेवन करना चाहिए और भोजन का सेवन करना चाहिए। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चने के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे जरूर फेंकना चाहिए और बोलना चाहिए, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक पाप नष्ट हो, इस भावना को करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के साथ दाने खाकर व्रत को खोलना चाहिए। पारण करने के बाद दक्षिणावती शंख जो आपने रखा था पूजन में, उसको तिजोरी में या पूजा के स्थल पर ही स्थापित कीजिए। इससे आपके परिवार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है, दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। और बेडरूम में इसको पूजन करके, अभिमंत्रित करके, अगर आप उस दिन पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो कहीं से भी अभिमंत्रित करके किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा आप इसे प्राप्त करें, और अपने बेडरूम में रखने पर पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं, डिवोर्स की नौबत दूर हो जाती है, मन को शांति मिलती और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ध्यान रखना चाहिए,
ये तांत्रिक लक्ष्मी का चिन्ह है। तो जब भी घर में दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं तो विधि विधान से रखना चाहिए और समय समय पर धूप दीप करना चाहिए, जैसे भगवान का पूजन करते हैं, और ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, बिना शुद्ध किए हुए ऐसे अपमान होता है। इस शंख जब भी आप विधि विधान पूर्वक घर में रखते हैं तो आपके जीवन की कई प्रकार की बाधाएं शांत होती हैं। शुद्धिकरण अवश्य करें। आप घर में भी आने के बाद इसको लाल कपड़े पर रखकर इसमें पीले चावल भर लीजिए और कुश के आसन पर बैठकर ओम श्री लक्ष्मी सहोदरा नमः इस मंत्र की एक एक दिन एक एक माला, रोज 108 मंत्र की एक माला होती, 5 दिन तक आपको लगातार करना है। आप चाहे तो 5 वाला एक ही दिन में कर सकते हैं और फिर स्थापित कर सकते हैं। कहते हैं जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है, भगवान विष्णु के सामने से रखे रखा जाता या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करते हैं, उस घर में कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। बड़े से बड़ा कर्ज उतारने में सहायक होता है, और अगर इस स्थान के स्थान पर लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया जाए तो आर्थिक लाभ होता है, असीम की प्राप्ति होती है। इस शंख को अगर अन्न के भंडार गृह में रखते हैं तो कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं होती है, और यह दक्षिणावर्ती शंख हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। और जिस स्थान पर पीने का पानी रखते हैं, जिन लोगों को भी पितृदोष लगा हुआ है, तो जहां पर घर में जल का स्थान है वहां पर अब दक्षिणावर्ती शंख में जल भर कर रखें, इससे पितृदोष कम होता है। गंगा जल भर के रखिए, पीले चावल भर के रखिए, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किसी भी प्रकार की अगर टोने टोटके का भी असर है तो वह भी दूर होता है, निष्क्रिय हो जाता है, और आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। जब भी लगे कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो यह दक्षिणावर्ती शंख में आप स्वच्छ जल भरकर किसी व्यक्ति स्थानीय वस्तु पर छिड़क दीजिए। आप देखेंगे दुर्भाग्य हो, तंत्र मंत्र हो, अभिशाप का प्रभाव हो, सभी समाप्त हो जाते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इस दिन भोजन सात्विक करें, और सिर्फ भोजन का ही नहीं, चावल ना खाएं, नमक ना खाएं। आपको सिर्फ भोजन का ही नहीं, अपने स्वभाव का भी आपको व्रत रखना चाहिए। क्रोध, हिंसा, चुगली, बुराई आदि ना करें। इस दिन हेयर कटिंग, सेविंग आदि ना करें। स्त्रियां बाल ना धोएं, दातून ना करें, उंगलियों से ब्रश करें, और पति पत्नी को आपस में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी मनुष्य की सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली एकादशी है, सौभाग्य में वृद्ध करने वाली एकादशी है, जल संरक्षण की भावना को उजागर करने वाली एकादशी है, और जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान बराबर फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है? जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अत जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम
ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभातकाल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सबका फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, श्निया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशीयुक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया।